हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपका SST का पैडागोजी मैंने आपका स्टार्ट करी थी, ये सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, उससे रिलेटेड आपके किस प्रकार का थ्योरेटिकल पोर्शन हो सकता है वो मैंने आपको स्टार्ट करा था, जिसका मैंने आपको पहला चैप्टर करवा दिया था। आज हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर यानी कि टॉपिक नंबर 2 के बारे में, जो कि आपका कक्षागत अधिगम गतिविधियाँ, यानी कि आपके कक्षा में किस प्रकार की गतिविधियाँ कराई जाकर आपको सामाजिक विज्ञान का ज्ञान दिया जाता है। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, कक्षागत अधिगम गतिविधियां। जैसे कि कक्षागत प्रक्रिया अथवा कक्षागत अधिगम गतिविधियां जो कि कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। पहला गतिविधियां आधारित शिक्षण और दूसरा भौतिक अथवा व्याख्यान या फिर भाषण आधारित शिक्षण। क्योंकि आपका जो सामाजिक विज्ञान है वो किस प्रकार का आपका सब्जेक्ट है, वो उस प्रकार का सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, आपको व्याख्यान करके यानी कि भाषण देकर, जिसको आप इंग्लिश में लेक्चर कहते हो, उसके द्वारा सारा का सारा ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो आपके कक्षागत जो गतिविधियाँ होती है, आपको जो शिक्षण प्रकरण करवाया जाता है, किस प्रकार से आपको शिक्षा प्रदान की जाए, तो इन दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहला गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी कि जैसे आपकी गतिविधि होगी, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका ताजमहल के बारे में बताना, तो उसके लिए गतिविधि आपका शैक्षिक भ्रमण के लिए भी ले जाया जा सकता है, या फिर उसके बारे में लेक्चर देकर यानी कि भौतिक अथवा व्याख्यान यानी कि भाषण आधारित शिक्षण देकर भी आपको उसके बारे में समझाया जा सकता है। तो ये दो प्रकार की गतिविधियाँ आपका इस्तेमाल करी जाती है आपके सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने के लिए। बाकी इससे रिलेटेड आपके कुछ और निर्देश भी हैं, उसके आगे हम बात करेंगे अभी, जो कक्षा में क्रियाकल्प किस प्रकार किए जाते हैं। कक्षागत शिक्षण माध्यम को हम निम्नलिखित रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक कंसेप्ट मैप बना रखा मैंने आपका पूरा समझाने के लिए। कक्षागत शिक्षण प्रक्रिया, तो आपके कक्षा में आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से आपकी क्रिया करवाई जाती है उसके बारे में, तो दो क्रियाएं बताई मैंने आपको, या तो गतिविधियां आधार पर, या भाषा के आधार पर, या भाषण के आधार पर, या व्याख्यान के आधार पर। तो उसी प्रकार से इसको दो भागों में बांटा जा रखा है, एक तरफ मौखिक क्रियाएँ लिख रखी है मैंने और दूसरी तरफ गतिविधियाँ आधारित क्रिया रख रखी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मौखिक क्रिया के बारे में। तो मौखिक क्रिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि एक तो बोले जाने वाले या फिर सुने जाने वाले। तो मौखिक में आप तो दो ही क्रिया कर सकते हो ना, या तो आप बोल सकते हो या सुन कर सकते हो, उसके अलावा तो कोई भी चीज नहीं हो सकती लेक्चर मेथड के अलावा, मेथड में इस्तेमाल करने के लिए, व्याख्यान में इस्तेमाल करने के लिए। ओके, या तो टीचर आपको जो बोलेगा वो आप सुनोगे, या फिर आप अपने बारे में व्याख्यात करोगे उस चीज को लेकर, यानी कि बोले जाने वाले और सुने जाने वाले आपके मौखिक क्रिया के अंदर आते हैं। और वहीं अगर गतिविधि आधारित क्रिया की बात करें तो इसमें आपकी ज्यादा चीजें आती हैं, जैसे कि इसको भी दो भागों में बांटा गया है, पहला संकेतिक क्रियाएं और दूसरा संचित शिक्षण। अब ये संकेतिक क्रियाएं क्या हैं, तो देखने से आपको सुनने से पता लग जाता है, वो सारी चीज़ें जो अपने हाव भाव के अनुसार या किसी इशारे के पर की आप उस चीज़ को करके दिखाएं तो संकेतिक क्रिया में आ जाता है, या फिर संचित शिक्षण वो होता है एज ए रिटर्न फॉर्म में देना कि बच्चा उस चीज़ को क्या कर सके, रिटर्न फॉर्म में ले या फिर कई कला के रूप में ले। ओके, तो इन दो चीज़ों में बांट सकता है, जैसे कि मैंने आपको संकेतिक के हैं जो आपके तीन भागों में हो सकते हैं, जैसे कि चिन्ह अथवा निशान, हाव भाव या मुख अभिनय। जैसे कि आप देखते हो कई बार कि कोई चीज़ आपको अपने दोस्त को बतानी होती है तो आप अपनी पलखे ऊपर बता के करते हो या आँख मार के बताते हो, तो इस प्रकार की हाव भाव या फिर किसी प्रकार के चिन्ह या निशान या किसी प्रकार का मुख अभिनय, जैसे कि आप कहते हो कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप क्या करते हो, ये क्या होता है, एक मना करने का इशारा होता है, तो उसी चीज़ से आपके मुख अभिनय। तो ये तीन चीज़ें आती हैं आपके संकेतिक क्रियाओं के अंदर। और जैसे संकेतिक आपका संचित शिक्षण में बताया मैंने आपका, किसी चीज़ को लिखित फॉर्म में या फिर कला के रूप में बच्चों को हम समझा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मैप बनाने की कोशिश करी है कि आपकी शिक्षा जो दी जाती है कक्षा में वो किस प्रकार की दी जा सकती है, और आराम से आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। ओके, उपयुक्त दोनों ही प्रकार की कक्षागत संप्रेषण में अनेक उपकरण प्रयोग में होते हैं, इसमें से प्रमुख उपकरणों का विवरण निम्नलिखित है। तो यानी कि चाहे आपको गतिविधि हो या फिर मौखिक हो, उसमें आपके कुछ निम्नलिखित आप उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मैंने आपके कुछ मुख्य मुख्य यहाँ लिख रखे हैं, जैसे कि आप टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हो, टेप रिकॉर्डर का, रेडियो का, प्रोजेक्टर का, स्लाइड्स का, या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का। तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करके आप बच्चों को समझा सकते हो, बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हो, आप सामाजिक अध्ययन को लेते हुए समझाते हुए। ओके,
अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कक्षागत क्रियाकल्प, यानी कि जो आपके कक्षा में जब आपको शिक्षा दी जाती है तो किन किन विधियों के द्वारा दी जा सकती है, किन किन तरह से दी जा सकती है। तो मुख्य मैंने आपको चार चीज़ें समझाने का यहाँ पर कोशिश करी है। तो जैसे कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु कक्षा में आवश्यक गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं। जैसे पहला आपका निर्देशन, तो देखने से पता लग जाता है, सुनने से पता लग जाता है कि किसी चीज़ का निर्देशन करके यानी कि व्यक्त करके सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखी जा रही है। जैसे निर्देशन से तात्पर्य है कोई काम कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं, प्रत्यक्ष रूप से यह दिखाना या बताना, निर्देशन तकनीक का प्रयोग कर प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और संश्लेषण कैसे किया जाता है उस चीज़ के ऊपर व्यक्त करना ही आपका क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। तो देखो किसी चीज़ का आप निर्देश देते हो तो क्या करते हो, निर्देश देकर यही तो बताते हो ना आप किस क्रिया को किस तरीके से करना है या किस तरीके से नहीं करना है। निर्देशन का तो मतलब वहाँ पर यही होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ आपको करवाई जा रही है तो वहाँ पर आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप इस तरीके से इस चीज़ को कर सकते हो तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि सामाजिक अध्ययन में काफी चीजों का आप एक्सप्लेन करते हुए लेकर चलते रहते हो, चाहे आपका इतिहास हो, भूगोल हो या फिर पॉलिटिकल हो यानी कि राजनीतिक हो, सब चीजों में आपका निर्देश बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। जिसमें अध्यापक क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से सारी की सारी चीजें क्या करता है, दिखाता है या फिर बताता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र में जैसे कि क्षेत्र कार्य का अर्थ है वास्तविक जगत में कक्षा लेना, अर्थात जीवन की वास्तविक परिस्थिति में पढ़ाना ही सामाजिक अध्ययन में कार्यक्षेत्र कहलाता है। यानी कि आपको सारी की सारी चीज़ें कैसे बतानी है, एज ए वास्तविक क्षेत्र के रूप में बतानी है, एज ए वास्तविक सारी चीज़ों के रूप में बतानी है। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल के बारे में बताना है तो आप ताजमहल के भ्रमण के लिए ले जा सकते हो, लाल किले के बारे में बताना है तो लाल किले के बारे में बता सकते हो, या फिर गोलकुंडा के किले के बारे में बताना है तो आप भ्रमण के लिए आप उनको वहाँ पर ले जा सकते हो। तो क्या कर रहे हो आप, एज ए विषय वस्तु को आप वास्तविक जगत के साथ जोड़कर क्या ले रहे हो, आप बिल्कुल परिस्थितियों का यानी कि वास्तविक परिस्थिति में आप क्या करा रहे हो, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, सामाजिक अध्ययन को समझाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा करते समय किसी घटना को देखकर उससे संबंधित आधार सामग्री को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण कर उसके बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ताजमहल के बारे में आपको बताना है तो ताजमहल के बारे में या तो आप वहाँ पर ले जाकर बता सकते हो या फिर वहाँ पर ले जाकर उसके बारे में जो विवरण है कि ये किसके द्वारा बनाया गया, कब शुरू करा गया था, किस आपकी परिस्थितियों में बनाया गया था, उन मजदूरों के साथ क्या हुआ आगे जाकर, उसका पूरा का पूरा निष्कर्ष लेकर उसको आप बच्चों को दे सकते हो। तो क्या कर रहे हो आप, उसके लिए कार्यक्षेत्र बना रहे हो। ओके, नेक्स्ट है आपका अतिथि प्रवक्ता। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सामाजिक अध्ययन में, कैसे मैं अभी आपको एक लाइव एग्जांपल देके बताऊंगा। जैसे कि कभी कभी अतिथि वक्ता छात्रों के लिए अनुकरणीय आदर्श का काम भी करते हैं। जैसे कि एक आपका लगा लो कि आपकी क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, आपके देश के आज़ादी के समय आपने किन किन लोगों ने महत्व निभाया था, किन किन सैनिकों ने अपना बलिदान देकर देश को आज़ाद करने के लिए योगदान दिया था, उसके बारे में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अतिथि प्रवक्ता बुला सकते हो। मतलब एक ऐसे सैनिक को आप बुला सकते हो जो कि आपके आज़ादी के टाइम पर लड़ाई करने में उसका सहयोग था, देश को आज़ादी दिलाने में उसका सहयोग था, तो उस प्रकार के व्यक्ति को आप बुलाकर उसके बारे में आप उनके वास्तविक जगत के साथ जोड़कर बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कर सकते हो। तो वो क्या हो गया सैनिक, वो अतिथि प्रवक्ता का कार्य करेगा, जिससे बच्चे क्या करेंगे, उसके आदर्श से प्रभावित होकर उसकी तरह कॉपी करने की तरह उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार के व्याख्यान से छात्रों को न केवल वास्तविक दुनिया के अनुभव से परिचित होने का सुअवसर मिलता है अपितु उन्हें प्रमुख प्रभावी दृष्टिकोण के लिए प्रेरणा भी मिलती है। मतलब उन कई बच्चे उनमें से ऐसे होंगे जो कि उस व्यक्ति से, उस सैनिक से प्रभावित होकर क्या करेंगे, उसकी तरह बनना चाहेंगे। तो क्या हो गया उनमें, उनमें अभिप्रेरणा जागी है उसके प्रति, अपने देश के प्रति, सैनिक के प्रति, तो प्रेरणा लेकर वास्तविक जगत के साथ सारी जोड़ते हुए आगे की तरफ आपको लेके जाएगा सैनिक बनने के लिए। तो इस प्रकार का भी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कक्षा में व्याख्यान, तो जो कि आपका बहुत मुख्य है, इस प्रकार से आप सारी चीजें आसानी करवा सकते हो और सिंपल तरीके से करवा सकते हो। जैसे कि माध्यमिक विद्यालय स्तर पर सामाजिक अध्ययन की कक्षा में अध्यापन के लिए अध्यापक जिस शिक्षण विधि का उपयोग सर्वाधिक करता है वह व्याख्यान या भाषण विधि है। क्यों, क्योंकि एक सरल रूप में मिलती है, आसानी से मिल जाती है, कम खर्चीली है और समय की बचत भी है। अगर आप इसका सही से उपयोग करोगे ना, बिल्कुल एकदम
क्या कहते हो, बिल्कुल विश्वसनीय रूप से, अच्छी तरीके से, तो बच्चे को एक अच्छा सटीक और स्थायी ज्ञान मिलेगा। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कितने अच्छे से प्रयोग करा है। जैसे अध्यापक की इस विधि से अध्यापक किसी भी नई सूचना या प्रक्रम को स्वयं छात्रों तक पहुंचाता है। व्याख्यान के मुख्य परियोजना तो सूचना देना है, मतलब जो व्याख्यान है उसका मेन कारण क्या है, मेन चीज़ क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसके बारे में क्या करना है, सूचना देना है। जैसे कि ताजमहल, ताजमहल कब बनवाया गया, किसके द्वारा बनवाया गया, किसकी याद में बनवाया गया, कितने लोगों के द्वारा उसको बनवाया गया, क्या क्या चीज़ें लगी हैं उसमें, वहाँ पर मुमताज़ की जो कब्र है वो कहाँ पर है, मुमताज का असली नाम क्या था और वो किस सन में बनाया गया था, इन चीज़ों के बारे में अगर आप बच्चों को बताते हो तो किस द्वारा बता सकते हो, वो व्याख्यान द्वारा। मतलब सारी की सारी चीज़ों की क्या दे रहे हो आप, सूचना दे रहे हो। वो कोई आपका किसी प्रकार का ये नहीं कह सकते कि कोई ज्ञान है, वो क्या है, सारी की सारी सूचनाएं हैं जो कि आप एक कक्षा में व्याख्यान के द्वारा दे रहे हो, मतलब एक ऐसी विधि के द्वारा दे रहे हो जो कि आपके सामने है, कम समय लेती है, कम खर्चीली है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने के लिए सक्षम है। ओके, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक विज्ञान में किस विधि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो व्याख्यान या भाषण विधि का ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगर आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ा होगा या फॉर एग्जाम्पल जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो किस विधि से पढ़ा रहा हूँ, इसी विधि से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि मानी जाती है इसको। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर कोई व्याख्यान विधि का सही से उपयोग करे तो उसके अच्छे से अच्छे आपके सामने प्रतिफल आ सकते हैं। तो उसी वक्त पर व्याख्यान के लाभ क्या है, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उसी के अंदर पूरा का पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा ये सारी चीज़ें। जैसे इसे अपनाकर सामाजिक अध्ययन की सभी शाखाओं को समृद्ध ज्ञान छात्रों को दिया जा सकता है। अब सभी शाखाएं यहाँ पर कौन कौन सी हो सकती है, तो सामाजिक विज्ञान में चाहे वो आपका भूगोल हो, इतिहास हो, इतिहास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतिहास हो या फिर आपका कोई पॉलिटिकल साइंस हो या राजनीतिक विज्ञान हो, उन सभी शाखाओं को आप एक अच्छे तरीके से अगर व्याख्यान करना चाह जाते हो, आप अच्छे तरीके से उसको निभाना जानते हो, तो एक समृद्ध ज्ञान दे सकते हो बच्चों को, एक अच्छा ज्ञान दे सकते हो। नेक्स्ट है, यह वह विधि है जिसे जब चाहे और जैसे चाहे अनेक तरीके से व्यक्तित्व संबंधित विशेषताओं के अनुरूप ढाला जा सकता है। इस तरह इसका अनुकूलन किया जाना अपेक्षित सरल है। मतलब यह जो विधि है वो आप कभी भी किसी टाइम भी इसका उपयोग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्लेग्राउंड में आप बच्चों को खेल के बारे में समझाने के लिए तुरंत आप उनको व्याख्यान विधि से समझा सकते हो, बाहर घुमाने के लिए जा रहे हो व्याख्यान विधि से समझा सकते हो। तो इस विधि के लिए ऐसा कोई नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको उपकरण ही चाहिए होगी, आप कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई समय सीमा नहीं है, आप कभी भी किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो और उसी के अनुरूप, मतलब जिस तरह की आपकी परिस्थिति है उसी के अनुरूप आप उस चीज़ को चेंजेबल भी बना सकते हो। आप जैसे कि घूमने के लिए गए हो तो एक लाइन में चलने के लिए, नियम को बनाने के लिए आप अपने वहाँ पर परिवर्तन कर सकते हो। इतिहास के बारे में बता रहे हो तो इतिहास में सारी चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हो, या पॉलिटिकल के बारे में बता रहे हो तो पॉलिटिकल सारी चीज़ें रिलेटेड बता सकते हो। तो तुरंत क्या कर दिया, आपके अनुकूलन बना दिया जिस प्रकार की आपके सामने परिस्थिति थी। नेक्स्ट है, अध्यापक और छात्र के बदलते अनुपात के अनुसार इस विकल्प का अनुकूलन किया जा सकता है। मतलब जिस प्रकार की आपकी क्लास में छात्र होंगे, मतलब अधिक मात्रा में है तो आप लेक्चर मेथड का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हो उनको सारी चीज़ें समझाने के लिए। अगर आपकी क्लास में मात्रा में कम बच्चे हैं तो व्याख्यान विधि के साथ साथ किसी और विधि के द्वारा भी जोड़कर इसको आप क्या कर सकते हो, एक प्रभावशाली शिक्षण बच्चों को दे सकते हो। तो आपके बच्चे के जो अनुपात है उसके बदलते हुए विकल्प पर भी आप इस चीज़ का अनुकूलन कर सकते हो, उसमें परिवर्तन ला सकते हो और उसके साथ में उस चीज को जोड़कर बच्चों को सिखा सकते हो। नेक्स्ट है, व्याख्यान तकनीक बहुत ही कम खर्च वाली होती है, यदि सही योजना बनाई जाए तो सही रूप से उसका क्रियान्वयन किया जा सके तो यह तकनीक बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि व्याख्यान तकनीक तो आपकी कम खर्चीली है, क्योंकि जो लेक्चर दिया जाता है उसमें किसी प्रकार का उपकरण नहीं लगता, किसी प्रकार का आपको ये नहीं चाहिए कि आपको अलग अलग मल्टीमीडिया पैकेज चाहिए, बस एक व्यक्ति चाहिए जिसके बारे में आपको ज्ञान देना, उस ज्ञान को उसमें समझ होनी चाहिए बस, अब वो वहाँ पर आपको वो चीज़ दे सकता है। तो आप देख सकते हो ये कम खर्चीली है और कोई ऐसा आपको सामान जुटाने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगा, तो समय का भी ये बचत करती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो प्रभावशाली सिद्ध करना है उसको, तो उस प्रकार का क्रियावान करना चाहिए, उस तरीके के आपको लेक्चर चुनना चाहिए कि जिस प्रकार को उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से ज्ञान हो। अगर उसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप लेक्चर कैसे संभाल पाओगे। ओके,
अगर उस चीज़ का आपको पूर्ण ज्ञान है, अच्छे से ज्ञान है, तो आप उस चीज़ को संभाल भी पाओगे और आगे अच्छे तरीके से बच्चों को समझा भी पाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके लाभ थे। ओके, तो ये आज का हमारा चैप्टर था कि किस प्रकार की विधियों से या किस प्रकार के क्रियाकल्प से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है आपकी क्लास में। तो यहाँ पर आ गया, हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया है, सेकंड टॉपिक भी खत्म हो गया। तो नीचे आपको कैसी ये वीडियो लगी तो नीचे जाके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, इसका पहला पार्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अलग से चैनल में प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।